खबर मध्य प्रदेश के रीवा जिले से है, जहां गत दिवस सगरा निवासी शिवम पांडे की जमीन को शिवम तिवारी ने फर्जी तरीके से शिवम पांडे का हस्ताक्षर कर बिक्री कर दिया था। उक्त मामले का खुलासा होने पर 5 लोगों के खिलाफ सिविल लाइन थाने में मामला दर्ज हुआ। उक्त मामले में मीडिया के सामने गोविंद प्रसाद पांडे का नाम लिया गया था कि वह भी फर्जीवाड़े में शामिल है। गोविंद पांडे के अधिवक्ता ने मीडिया को जानकारी दी कि सोशल मीडिया में जो खबर चली थी कि जमीन में फर्जीवाड़ा हुआ है, जिसमें मुख्य शिकायतकर्ता शिवम पांडे होना चाहिए था, वह न होकर रजनीश कुमार पांडे ने मीडिया को बयान दिया था कि फर्जीवाड़े में गोविंद पांडे ने कूट रचित की है, जिसका खंडन करते हुए अधिवक्ता ने बताया कि रजनीश कुमार पांडे के खिलाफ गोविंद पांडे के द्वारा 10 लाख रुपए के चेक अनादरण का न्यायालय में परिवाद दायर किया है, जिसका बदला लेने के लिए शिकायतकर्ता की जगह रजनीश कुमार पांडे ने मीडिया के सामने आया और उनके मुवक्किल को बदनाम करने के लिए उनका नाम घसीटा, जिसका अधिवक्ता ने खंडन किया। आइए सुनते हैं पूरे मामले को लेकर अधिवक्ता ने क्या जानकारी दी है। ये ग्राम सगरा की एक जमीन है, आराजी नंबर 368/3, जिसके भूमस्वामी शिवम पांडे हैं, लेकिन ग्राम सगरा का ही कोई एक शिवम तिवारी है, जिसने शिवम पांडे बन करके फर्जी आईडी के आधार पर उसकी ज़मीन को 3 लोगों को विक्रय कर दिया है। जिनको विक्रय किया है उनका नाम हमको पता है मीडिया के माध्यम से, आशुतोष पांडे, रघुवर दयाल एवं अवनीश पांडे। और इस फर्जीवाड़ा की शिकायत सिविल लाइन थाने में की गई है और मीडिया के समक्ष जब शिकायत के बाद इस प्रकरण को डिस्क्लोज किया गया, उसमें शिवम पांडे ने बयान न दे करके मीडिया के सामने एक रजनीश कुमार पांडे ने बयान दिया। रजनीश कुमार पांडे ने जो बयान दिया है उसमें उसने बताया कि शिवम पांडे की ज़मीन को शिवम तिवारी ने शिवम पांडे बन करके 3 लोगों को बेच दिया है और ये सब फर्जीवाड़ा गोविंद पांडे ने कराया है। अब जबकि इस प्रकरण में गोविंद पांडे ना क्रेता है, ना कहीं विक्रेता है, ना ही कहीं वो साक्षी है, उसका दूर दूर तक इस प्रकरण से किसी तरह का कोई लेना देना नहीं है। आज वो 2-3 महीने से पत्नी के इलाज कराने में बाहर बाहर है, रीवा में है भी नहीं। अब उसका नाम शिवम ये रजनीश पांडे इसलिए ले रहा है कि रजनीश पांडे ने अपनी ज़मीन बेचने के लिए गोविंद पांडे से 10 लाख रुपए उधार लिया था और गोविंद पांडे को चेक भी दिया था कि मैं अगर अपनी ज़मीन आपको नहीं दूंगा तो हमारा चेक लगा कर के पैसा प्राप्त कर लेना। अब वास्तव में अपनी ज़मीन वो गोविंद पांडे को नहीं दिए, किसी और को बेच दिए। गोविंद पांडे ने रजनीश पांडे के खिलाफ चेक बाउंस का मामला न्यायालय में पेश करवा दिया है, जो मामला ये पद्मनी सिंह मैडम JMFC महोदय के न्यायालय में चल रहा है, जिसका प्रकरण क्रमांक 898/2022 है और इसमें रजनीश पांडे के विरुद्ध गिरफ्तारी वारंट जारी है। और इस प्रकरण से क्षुब्ध होकर के इस फर्जीवाड़ा का जो प्रकरण है गोविंद पांडे को घसीटने के लिए, उसको बदनाम करने के लिए रजनीश पांडे इस तरह का बयान मेरे पक्षकार गोविंद पांडे के विरुद्ध दे रहा है, जबकि वो यहाँ पर है भी नहीं और ना ही उसका किसी प्रकार की इस प्रकरण से कोई नाता है, जहाँ तक मुझको जानकारी प्राप्त है। जो आरोपी है कहाँ रहने वाले हैं, कहाँ पर? ये जो आरोपी हैं इस प्रकरण में जिनके नाम रजिस्ट्री हुई है, इनका नाम है आशुतोष पांडे, रघुवर दयाल और अवनीश पांडे, जिनको जमीन बेची है। और इसमें जो साक्षी हैं उनका मुझको नाम पता नहीं है, हमने रजिस्ट्री नहीं देखी है। और ये जो ज़मीन थी, ये बताया जा रहा है कि शिवम पांडे की ज़मीन है, सगरा की ज़मीन है और उस ज़मीन को शिवम तिवारी, जो सगरा का ही निवासी है, उसने शिवम पांडे बन करके कोई फर्जी आईडी बना करके किसी 3 लोगों खंड खंड भाग में रजिस्ट्री करा दिया है। ये जो रजिस्ट्री कराई गई है तो ये बताया जा रहा है कि ये 14 नवम्बर और 17 नवम्बर की रजिस्ट्री है। नमस्कार, रीवा, मैं हूं भानु पंडित और मैं हूं अनीता भट्ट और हमारे यहां आपके शहर रीवा 11 दिसंबर 2022 कृष्णा राज कपूर ऑडिटोरियम में एक सुरों की महफिल सजाने, जिसका नाम है उड़ान शाम गजल, एक शाम सूफी संगीत के नाम में अपनी प्रस्तुति देने के लिए। तो हम चाहते हैं कि आप सभी आए वहां पे इस संगीत में शाम का हिस्सा बनने के लिए। और हम दोनों स्पेशली थैंक्स बोलना चाहते हैं अभ्युदय उपकार फाउंडेशन की तरफ से अनामिका शुक्ला जी का, जिन्होंने हमें रीवा शहर आमंत्रित किया। So, see you all there.